आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। बड़ा चैलेंज नक्सलवाद के साथ साथ जो नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, और अर्बन नक्सलवाद ये प्रक्रिया जगह जगह बढ़ने का जो क्रम है, तो कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं इसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वैसे विचारों को प्रश्न देने का जो काम कर रहे हैं उसे भारत की जनता और नक्सलवादी परंपरा से देश प्रकार से टूटने का काम हुआ है वो देश की जनता देखी है। आज उन प्रांतों में ठीक करके केंद्र की समयोजित दृढ़ निश्चय के कारण ही नक्सलवाद पर किला ठोकने का काम किया गया है। आज सभी वहां के लोग और जनता विकास के साथ उन्मुख होकर देश की प्रगति की ओर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उस विचार का कहीं प्रस्फुटित नहीं है, उस विचार का कोई हेतु नहीं है। आज राष्ट्रपति विचार सर्वोत्तम आगे बढ़ने का काम हो रहा है। आज कांग्रेस के लोग जो अलग अलग प्रकार से जो बांटने की प्रक्रिया में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो लगी हुई है, और विदेशों में जाकर क्या क्या बातें कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो इस देश के हैं श्रीमान राहुल गांधी, वो जिन बातों को आज कहने का काम देश के बाहर करते हैं उसके देश की गरिमा नहीं बढ़ती है बल्कि देश को बैठाने का काम करते हैं। आज उस विषय को समझना चाहिए और अर्बन नक्सलवाद बढ़ने का क्रम में कांग्रेसी जिस प्रकार से प्रश्रय भी देने का काम हो रहे हैं उनको सतर्कता रहनी चाहिए और इस बात की सजगता के साथ उनको चिंतन भी करनी चाहिए कांग्रेस इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है।